हमारा तीन पार्ट के अंदर होगा। पार्ट ए के अंदर हम ये जानेंगे, हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ रही थी आईआईटी जे, जो कट ऑफ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। अगर तुम 2017 में देखते हो तो कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल गया, तक जो जनरल है वो ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 2023 का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर्स में यानी कि 2022 में 2021 में क्या कट ऑफ रही थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है 2023 की, और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या थी बहुत सारे आईआईटीज की। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के ये मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे आईआईटी जैम के अंदर फिजिक्स के अंदर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या मेरी अगर क्लियर हो जाता है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, या मैं आईआईटी में जा सकता हूँ या एनआईटी में जा सकता हूँ। तो मुझे ये लगा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है वो क्या थी। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो वीडियो है ये हमारा तीन पार्ट के अंदर होगा। पार्ट ए के अंदर हम ये जानेंगे, हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ रही थी आईआईटी जैम की वो क्या रही थी। फिर पार्ट बी के अंदर हम ये देखेंगे कि जो सीट अलॉटमेंट हुआ था अकॉर्डिंग टू रैंक, यहाँ स्कोर लिखा है मैंने, यहाँ स्कोर नहीं आएगा या रैंक आएगा, है ना, ये रैंक है, रैंक यहाँ पर आएगा रैंक, तो अकॉर्डिंग टू जैम रैंक, जैम में जो रैंक लगी है उसके अकॉर्डिंगली क्या कट ऑफ थी या क्या सीट अलॉटमेंट था। और पार्ट सी के अंदर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रह सकती है मेरे अकॉर्डिंगली, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं कि जो पेपर है वो टफ था, मॉडरेट था या इजी था, नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं वो कितने बैठे थे, तो उन सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंक्लूड करते हुए हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं वो 2017 से कंसिडर कर रहे हैं। अब इस चीज़ को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, ये जो कट ऑफ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। अगर तुम 2017 में देखते हो तो जो जनरल की कट ऑफ थी वो मात्र 14.79 मार्क्स थी जनरल की कट ऑफ, यानी कि इतने नंबर कोई ले आया तो वो एग्ज़ाम को क्लियर कर गया था, उसको आईआईटी मिला नहीं मिला वो एक सेकेंडरी चीज़ है, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 13.31, और वहीं अगर एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो उसके लिए 7.39, बहुत कम मार्क्स थे, 2017 की बात चल रही है ये। फिर अगर हम बात करें 2018 की तो यहाँ पर ये तीन नंबर का आपको जंप देखने को मिलेगा लगभग, तो 17.05 जनरल में। फिर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी की तो 15.35, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 8.53। फिर अगर हम 2019 की बात करें तो एकदम से ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला यहाँ पर, और लगभग 6 नंबर, पहले यहाँ 3 नंबर और फिर यहाँ पे लगभग 6 नंबर, 6 भी क्यों, पूरे 7 नंबर, 8 नंबर अप्रॉक्सीमेटली, तो 24.99 2019 में। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 22.49, जबकि एस सी एस टी की अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी, यानी कि हर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि जो पेपर है वो बहुत ही ईजी आ गया हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा बैठ गए हों, है ना, तो उस केस में भी यहाँ पर ये सारे फैक्टर कंसिडर होते हैं। परंतु मेजर जो मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि पेपर बहुत ईजी आ गया होगा, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की या कैंडिडेट्स की बात करें तो वो लगभग हर साल 12-13 हज़ार बच्चे बैठते हैं। फिर अगर हम 2020 की बात करें तो फिर कट ऑफ डाउन चला गया, कितना चला गया, 21.7, तीन नंबर कम। फिर हम 2020 ओबीसी की बात करें तो 19.53, फिर हमारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 10.85, फिर 2020 की बात थी, 2021 की बात करो तो फिर और कम गया, यानी कि 19.91, फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करो तो 17.92, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करो तो 9.96। 2022 में देखो तो फिर से उछाल देखने को मिला, और वो भी ज़बरदस्त वाला, कितना, सीधा 6 नंबर, तो यहाँ 25.05, यहाँ पे 23.45, और यहाँ पर 13.03
दैट मीन्स कि 2022 का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी था किसके कंपैरिजन में, 2021 के कंपैरिजन में। अब 2023 के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो हम बात करेंगे सेशन के आखिरी में। पेपर जो था, जैसा कि लोगों से पता लगा है या जितना आप लोगों से इनपुट मिला है, तो पेपर मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, तो मॉडरेट पेपर था। तो उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है इन सारे कट ऑफ्स को देखते हुए, वो हम लास्ट वाले सेशन में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, IIT जैम के एग्ज़ाम से ज़रूरी नहीं है कि आप IIT से ही MSc करें, NIT से भी आप MSc करने के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना। लेट सपोज कि 22 की कट ऑफ पकड़ लें, आपके 22 में जस्ट जो मार्क्स आए वो बाउंड्री पर आए थे, बाउंड्री पर आए, यानी कि आपके मार्क्स जो आए 25.05 आए, यानी कि आप कट ऑफ क्लियर कर गए। अब इसमें एक कोई गारंटी नहीं है कि आपको IIT के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि IITs जो हैं उनके अंदर जो कोर्सेज हैं वो जनरली हाई रैंक पे फिल हो जाते हैं, यानी कि अगर जनरल में आप बात करें तो 1000 रैंक तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रैंक तक IITs फिल हो जाती हैं। उसके बाद NIT यहाँ पर आपको मिल जाएगी, NIT मिल जाएगी, या कोई जो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, या जो ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज़ होगी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये DC है ना, या जो ये थापर है, ये इस तरह के जो आपको ऑटोनमस जो अच्छे कॉलेज हैं, जो ग्रेड ए कॉलेज हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो एक चीज़ ये आप दिमाग में ये क्लियर करके चलना कि कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको IIT में एडमिशन मिल गया, IIT में MSc में एडमिशन मिल गया। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब है आपका जैम का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। हाँ, ये श्योरिटी हो जाती है कि आपको NITs में या फिर किसी ग्रेड ए ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिलने के 99% चांस हो जाते हैं। अब एडमिशन लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारी जो स्पांस हैं वो ओपन होते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स ओपन होती है। कोई एस्ट्रोफिजिक्स में करना चाहता है, कोई क्वांटम में जाना चाह रहा है, कोई हाई ग्रेड एनर्जी में जाना चाह रहा है, हाई एनर्जी फिजिक्स में जाना चाह रहा है ना, कोई न्यूक्लियर में जाना चाह रहा है। तो बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाई हैं जो रास्ते ओपन होते हैं, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। तो ये तो थी बात कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही हैं वो क्या थी। अब हम एक बार ये बात कर लें कि जो लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो सीट अलॉटमेंट था अकॉर्डिंग टू रैंक, सीट अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू रैंक वो क्या था, क्या ओपनिंग रैंक थी और क्या क्लोजिंग रैंक थी। तो कुछ IITs का मैंने यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड लिस्ट दोनों का कंबाइंडली लिखा हुआ है, ज़्यादा अंतर इसमें देखने को नहीं मिलता। जो काउंसलिंग है उसके लगभग 4 से 5 राउंड चलते हैं, लगभग 4 राउंड तो आराम से जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के लिखे हुए हैं, तो 4 राउंड तक अगर काउंसलिंग जा रही है तो लगभग उसको टॉप IITs को अगर छोड़ दो तो उसको 10-10, 20-20 रैंक पीछे सरकाते हुए चलना। अगर मैं IIT बॉम्बे की बात करूं तो यहाँ पर जो फिजिक्स की स्पेशली बात हो रही है, बाकी ब्रांचेस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो IIT बॉम्बे की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी ओपनिंग रैंक 1 थी और जो क्लोजिंग रैंक थी वो 34। OBC की अगर हम बात करें 37-200। EWS की हम बात करें 55-99। SC की हम बात करें 63-328 और ST की हम बात करें तो 801-3123। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिल्ली की हम बात करें तो 5-130 जनरल की। OBC में हम बात करें 336-360। अगर हम बात करें EWS की तो 162-209। अगर हम बात कर लें SC की तो 357-1161 और ST की हम बात कर लें तो 425-2667। IIT गुवाहाटी 141-241 जनरल। IIT हैदराबाद 151-285 जनरल। OBC 528-585, यहाँ पर 301-511। अगर हम बात कर लेते हैं EWS 311-328। अगर हम बात कर लें EWS गुवाहाटी के लिए 273-319। BHU की अगर हम बात करते हैं 256-444। अगर हम OBC में BHU की बात करते हैं 625-7248। EWS की बात करते हैं 473-525। फिर अगर हम अदर टॉप IITs की बात करें, जैसे कि हम IIT कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर के लिए 2-257 ये थी जनरल में। OBC में 127-221। खड़गपुर की बात करें 58-189 और अगर हम OBC की बात करें तो 225-460।
225 to 460, आईआईटी रुड़की 71 to 153, उसके बाद ओबीसी में 304 to 457, 304 to 457। अगर आप यहाँ पर किसी भी जनरल के लिए आईआईटी की देखते हैं, टॉप आईआईटीज की देखते हैं, तो टॉप आईआईटीज मैक्सिमम जाकर 800 रैंक तक फिल हो गई। यहाँ पर मैंने ये जितनी भी आईआईटीज लिखी है, जरूरी नहीं सब आईआईटी में एमएससी फिजिक्स कोर्स हो, यहाँ पर जितनी भी मैंने लिखी हुई है, जितनी मेरे को, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मेरे को मिला है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लगता है कि जो जनरल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम खींच के 800 रैंक तक जो जनरल है वो ख़त्म हो गया। जनरल की 800 रैंक अगर आपकी है जैम के अंदर तो आपको आईआईटी आराम से मिल जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर कहाँ तक चला जाता है, 1200 रैंक तक चला जाता है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये लगभग 1000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस या ज़्यादा से ज़्यादा 1050 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में आपको एडमिशन जो है आईआईटी के अंदर मिल जाता है। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो एससी में जो है ये चला जाता है लगभग 3500 तक, 3500 तक एससी में लास्ट आपको एडमिशन मिल जाता है चौथे राउंड तक जाते जाते। और भी अगर थोड़ा सा बढ़ा लो इसको तो इसको आप 3800 कर सकते हैं। एसटी में अगर हम बात करें तो लगभग 6000 रैंक तक आपको एमएससी में एडमिशन मिल जाता है एसटी के अंदर, है ना। तो अगर आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग कट ऑफ की जो आंसर कीज भी आ गई होंगी, आईआईटी का भी रिस्पॉन्स शीट आ गया है, तो आपने अपने आंसर्स लगाए होंगे, तो आप देख लेना कि आपके जो मार्क्स हैं जो इन मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लास्ट में बताऊँगा, फिर भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, है ना। तो जो रैंक है वो इस रैंक के हिसाब से आपको आईआईटीज मिल जाएगी। अब जिस चीज़ का लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो, या आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो उसका कि मैं कब ये बताऊं कि आपको एक्सपेक्टेड रैंक या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली क्योंकि मॉडरेट पेपर था तो 2023 का अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं कि क्या कट ऑफ जानी चाहिए, तो जनरल की जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो रहनी चाहिए 25 से 27 नंबर तक। ये मेरे अकॉर्डिंगली हो सकता है इससे कम भी चली जाए, हो सकता है ज़्यादा चली जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 27 नंबर तक जनरल की कट ऑफ होनी चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए होनी चाहिए 24 से 26, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए होनी चाहिए 13.05 से लेके 15.05 तक। तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, अब आप देख लेना, आपने कैलकुलेशन की होगी कि इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफर साइड में जा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली। और इससे कम किसी के नंबर आ रहे हैं भूल जाओ, मतलब जनरल में हो, जनरल में हो और जनरल में तुम्हारे 20 से कम नंबर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली एनालिसिस है आईआईटी 2023 जैम का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, आपने जो भी कैलकुलेशन की है एक बार आप इससे मैच करा के देख सकते हैं, हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है, आपके जो मार्क्स है, इन जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है इससे ऊपर जा रहे हों या इसके आसपास घूम रहे हों। मैं फिर बोल रहा हूँ ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, ये एस्टिमेशन है, हो सकता है कट ऑफ इससे कम चली जाए, पर मेरा जो अंदाज़ा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इसके आसपास कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जो लोग आईआईटी जैम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैंने YouTube पर सीरीज लॉन्च की है, YouTube पर बैच लॉन्च किया है, जिसका मैं कल से यानी कि 15 मार्च से जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है या जो उसका हैंडल है वो है आईआईटी जैम CUET। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं वो इस ग्रुप पर अपलोड होंगे। डेफिनेटली ये जो आपकी प्रिपरेशन है 2024 जैम फिजिक्स के लिए उसके लिए बहुत काम आने वाला है, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। पूरा स्केड्यूल मैंने उस ग्रुप पर डाला हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कब ख़त्म होगा, कितने टाइम पीरियड में वो ख़त्म हो जाएगा, कब तक तुम्हारा जो कोर्स है वो चलेगा। बहुत सारे बच्चे इस ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हैं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप
फिजिक्स 2024 जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। उसके अलावा जो लोग CUET PG 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका जैम का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, नहीं गया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई। अभी तो CUET PG का भी एग्ज़ाम पड़ा है, जिससे आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, जैसे कि DU मिल सकता है आपको, BHU मिल सकता है आपको, JNU मिल सकता है। तो CUET PG के जिसके फॉर्म निकलने वाले हैं, आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है और उसको थोड़ा सा इनपुट और डालोगे तो वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर ले जाओगे। तो उसके लिए भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने शो किए हुए हैं, जो आपको फुटर में दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए CUET PG फिजिक्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।